सत श्रीकाल जी, अज की इस वीडियो दे विच तुहाडा स्वागत है। अज की ये जो वीडियो है ये एससी जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां वास्ते हैगी है, उन्हां वास्ते बड़ी इंपोर्टेंट जानकारी असीं शेयर करन लगे हाँ। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप टू शड्यूल्ड कास्ट स्कीम के तहत एससी विद्यार्थियों के साल 2022-23 का जिहड़ा सैशन हैगा उहदे वास्ते फ्रीशिप कार्ड जिहड़े उन्हां नूं जारी किए जाने ने फ्रैश विद्यार्थियों के लिए। ये जिहड़े कार्ड ने बनाउण वास्ते सानूं डॉक्टर अंबेदकर स्कॉलरशिप पोर्टल है जिहड़ा उहदे उत्ते अप्लाई करना पैंदा। वो विद्यार्थियों नूं यही जानकारी है कि वह जिहड़ा पोर्टल है वह जल्द ही चालू होण लग्गा है। जेकर तुसीं एलीजिबल हैगे हो फ्रीशिप कार्ड दे लई तां तुहानूं जरूरत है कि उहदे वास्ते तुसीं हुणे ही जिहड़ी अपनी तैयारी करके रखो, क्योंकि जदों ये पोर्टल खुलता है तो उस तो अपलाई करने के कई बार सानू कोई किसी तरह के दस्तावेजों की जरूरत पै जाती है तो वो दस्तावेज साढ़े को मौके पर होंगे नहीं। ज़्यादातर इस स्कालरशिप लैण के वास्ते एक जो परिवार का तुहाडा आमदन सर्टिफिकेट होना जरूरी होंदा, वो आमदन सर्टिफिकेट तुसीं तुरंत बनवा लो ता जो तुसीं ये जिहड़ी हैगी है जिहड़ी फ्रीशिप जिहड़ी कार्ड हैगा वो बनवाउण दे विच तुहानू कोई दिक्कत पेश ना आ। जिहड़े फ्रीशिप कार्ड ने सिर्फ नवें जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दे ही बनाए जाने ने। जिहड़े जिहड़े विद्यार्थियों के ऑलरेडी एक ही कोर्स कर रहे हैं जो उन्होंने पहला ऑलरेडी फ्रीशिप कार्ड बनाए हुए हैं उन्होंने रिन्यू कराने की उन्होंने कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नवें जिन्होंने बच्चों ने अप्लाई करना उन्होंने ही अप्लाई करने की जरूरत यह हैगी है। सो जिन्हिया भी साड़िया विद्यक संस्थावं है घट्टो घट्ट सरकारी संस्थावं है उन्होंने ये जरूर चाहिए कि जेडे उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर खोले हुए हैं काउंटर खोले हुए हैं उन्होंने एक्टिवेट कर देना चाहिए ता जो जेडे 80 विद्यार्थी ने जिन्होंने अगे कोर्सिस दाखला लेना उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। जिमें तुहानू दस्सिया ही है पहला है कि यह जिहड़ा कार्ड अप्लाई करने वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होंगी है। इनकम सर्टिफिकेट जदों आप अप्लाई करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। सो वो सर्टिफिकेट बनाने भी एक अद्धा दिन लग जाता तकरीबन अगर तुम सरकारी दफ्तर के जाओगे। सो तुहानू अपील है कि जिहड़ा फ्रीशिप कार्ड के लिए अपना ये इनकम सर्टिफिकेट तुरंत बना लो। इस ही दोबारा भी तुम दस देने कि जेडे ऑलरेडी विद्यार्थियों के फ्रीशिप कार्ड बने हुए हैं उन्होंने रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं। जदों तक तुम अपना थोड़ा कोर्स चल रहा तो तुम इस कोर्स के दौरान सिर्फ एक ही फ्रीशिप कार्ड है जोड़ा तुम वरत सकते हो। तो अगर तुम उस तो बाद कोई अपना कोर्स चेंज करते हो या किसी होर स्ट्रीम के जाने तो वो वास्ते नवे सिरे तो फ्रीशिप कार्ड बनाने की जरूरत पै सकती है। सो अगर तुम जिला मोगा नाल संबंधित है गए हो तो जो जिला प्रबंधकीय कंपलैक्स के जिला समाजिक न्याय अधिकारता दफ्तर मोगा हैगा जिहड़ा उत्थे आके अप्रोच कर सकते हो। तो इस तों अलावा पंजाब के अगर तुम किसी होर जिले नाल संबंधित है हो तो हरेक जिले के जिला समाजिक न्याय अधिकारता दफ्तर खुले हुए हैं तो उत्थे जाके ये अपने जिहड़े फ्री कोई इस संबंधी कोई जानकारी लैनी है या फ्रीशिप कार्ड तुम अप्लाई करना तो तुम उत्थे जाओगे तो तुम हर तरह की मदद मुहैया करवाई जाऊगी। इस तों अलावा जो www.scholarships.punjab.gov.in ते भी तुसी जाके इहदे बारे सारी जानकारी लै सकते हो। सो अज दी इस वीडियो दे विच दोस्तों इन्ना ही कि जिहड़े SC BC कैटागरी दे SC कैटागरी दे विद्यार्थी ने वो फ्रीशिप कार्ड लैके अपनी पढ़ाई अगे करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने फ्रीशिप कार्ड बनाउण दे लई अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए है। पोर्टल जल्द ही चालू होने लग्या, पोर्टल के उत्ते इहनूं अपलाई करना पएगा। पोर्टल के उपर अपलाई करन तों पहलां तुहाडे कोल तुहाडे परिवार की जिहड़ी सालाना इनकम सर्टिफिकेट आ वो होना जरूरी है। वो इनकम सर्टिफिकेट साढ़े को टाइम है हम तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो ता जो तुहानू ये फ्रीशिप कार्ड लैण वास्ते किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी सामने ना आए। सो अज की इस वीडियो के इन्ना ही, उम्मीद करते हैं कि तुहाडे वास्ते ये वीडियो लाहेवंद साबित होगी। तुसीं ये वीडियो अपने तक ही शेयर नहीं रखोगे, अपने तक ही सीमित नहीं रखोगे, इस वीडियो में अगे भी होर बच्चों तक पहुँचाओ ता जो वध तो वध जिहड़े विद्यार्थी ने इस कैटेगरी नाल संबंधित वो इस वीडियो का लाभ लै सकन, इस स्कीम का लाभ लै सकन। सो अगली वीडियो में तुहानू कोई नवी जानकारी लैके तुहाडे नाल फिर रूबरू होवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।